अगर आप अपनी आरसी को डाउनलोड करना चाहते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से बिल्कुल फ्री में, तो आज के इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि कैसे आप अपने वाहन आरसी को डाउनलोड करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे जो वाहन का आरसी है वो या तो खो जाता है या फिर खराब हो जाता है, इसलिए हमें बड़ी परेशानी होती है और हम अपने वाहन आरसी को फिर से लेने के लिए आरटीओ के चक्कर लगाते हैं, जहां पर हमारा पैसा और समय दोनों खराब होते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे ही आसानी से अपने वाहन आरसी को मोबाइल से डाउनलोड करना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस नई प्रक्रिया को जान लेते हैं। तो दोस्तों, आरसी को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है इस आधिकारिक वेबसाइट पे, parivahan.gov.in पे। जैसे ही आएंगे देखिए, इस प्रकार से इसका होम पेज खुलेगा। यहाँ आने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर एक आपको सर्विस दिखेगी जहाँ पर लिखा है व्हीकल रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर ही आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर लिखा है मोर, कर दीजिए क्लिक। क्लिक करते ही आएगा कि आपको यहाँ पर अपना राज्य का चयन करना है, तो जिस राज्य से आप आते हैं उसका चयन कर लीजिए। मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ तो मैं इसका चयन करूँगा। अभी आप देखेंगे इस प्रकार से आपके सामने ये जो नई वेबसाइट है वो खुल जाएगी। इसके बाद देखिए, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने आरटीओ का चयन करना है, जो भी आपका आरटीओ लगता है। और आरटीओ को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर चेकमार्क लगाना है और प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप किन किन सेवाओं का लाभ ऑनलाइन उठा सकते हैं और उन सभी सेवाओं के नाम यहाँ पर दिए हैं, जैसे कैंसिलेशन ऑफ ट्रांसफर टू डीलर, इशू ऑफ डुप्लीकेट आरसी, स्पेशल परमिट, ट्रांसफर टू डीलर। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर कुछ और सेवाएं दी गई हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। तो सिंपल सा आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने ये सेवाएं खुल जाएंगी। अब देखिए, आपको यहाँ पर इस प्रकार से जो सेवाएं हैं वो दिखाई देंगी। यहाँ पर देखिए एक सर्विस आपको देखने को मिलेगी, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है आरसी प्रिंट फॉर्म 23। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, आपका आरसी प्रिंट होता है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी आपका आरसी यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि आपके आरसी के ऊपर आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, तभी ये सर्विस यहाँ पर काम करती है। अगर लिंक नहीं होगा और आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कई प्रकार की एरर दिखाई देगी और डाउनलोड भी नहीं होगा। तो लिंक कैसे करना है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर चलना है सबसे पहले सर्विस के ऊपर, सर्विस के बाद आपको आना है एडिशनल सर्विस में, और यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको दिखने को मिल जाएगा अपडेट मोबाइल नंबर, इस पर आपको करना है क्लिक। इसके बाद इस प्रकार से दिखाई देगा, तो यहाँ पर सभी राज्य हैं, आपका राज्य का नाम यहाँ पर होगा तो आपको भी लाभ मिलेगा, आपको यस करना है। यस करने के बाद देखिए इस प्रकार से आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, चेचिस नंबर डालना है, इंजन नंबर यहाँ पर रहेगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर डेट है वो रहेगा, रजिस्ट्रेशन फिटनेस का जो वैलिड अप टू डेट है वो यहाँ पर रहेगा, और इस सब करने के बाद आपको शो डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपके आधार कार्ड के ऊपर नाम लिखा है वो सही नाम आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आधार पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ भरना है। उसके बाद यहाँ चेकमार्क लगाना है और चेकमार्क लगाने के बाद वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपका मोबाइल नंबर नीचे खुल जाएगा जो आपका यहाँ पर है। उसके बाद देखिए आपका नाम आ जाएगा, जो नाम आपका आरसी पे लिखा हुआ है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको सब कुछ चेक कर लेना है और आपको यहाँ पर अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अपडेट का मैसेज आएगा और आपका अपडेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए वापस से आपको इसी पेज पे आ जाना है और देखिए अब आपको जाना है डाउनलोड डॉक्यूमेंट पे और आरसी प्रिंट 23 पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अपना चेचिस नंबर डालना है और अपना इंजन नंबर डालना है। तीनों चीजें सही डाल के आपको वेरीफाई डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए इस प्रकार से पेज आएगा और यहाँ पर आपका एक मोबाइल नंबर दिखाई देगा। उस मोबाइल नंबर पे अब आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिखाई देगा और आपके इसी नंबर के ऊपर एक ओटीपी भेज दिया गया है। आपके मोबाइल नंबर पे जो भी अभी तत्काल में ओटीपी आया है, जो नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ, वो ओटीपी फौरन आप यहाँ डाल दीजिए और यहाँ पर आपको ओटीपी भरना है और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपके सामने आपकी आरसी दिखाई देगी और यही आपकी आरसी है। अब आप चाहें तो इसे प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास सेव करके रख सकते हैं। दोस्तों यही प्रक्रिया है आपकी ऑनलाइन आरसी डाउनलोड प्रिंट करने की घर बैठे अपने मोबाइल से। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा और आप ऑनलाइन आरसी डाउनलोड करना सीख गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।